नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? यूप ठीक ही होंगे, भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर दोस्तों आप सभी लोगों के पास भी SBI बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है और दोस्तों आप लोग भी अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी वॉलेट के अंदर जैसे क्रेडिट हो गया, या फिर दोस्तों जैसे पहले आप लोग पेटीएम के वॉलेट में पैसे ऐड करते थे, फिर आप लोग रेंट पेमेंट अगर करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने चार्जेस जो है दोस्तों लगते हैं, आज इस वीडियो में उसको पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी दोस्तों बता दूं, अगर इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों जब भी आप लोग अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको दो बार चार्जेस लगाए जाते हैं। एक बार रेंट पेमेंट करने के लिए दो बार चार्जेस लगाए जाते हैं। अब दो बार दोस्तों चार्जेस कैसे लगाए जाते हैं? पहले दोस्तों जब आप लोग अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर SBI बैंक वाले आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर रेंट पेमेंट करने पर 199 रुपीज प्लस 18% उसके ऊपर दोस्तों चार्जेस जो है वो लगाते हैं, यानी GST जो है लगाते हैं। 199 रुपीज प्लस 18% GST आपको आपके SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर आपके क्रेडिट कार्ड पे दोस्तों लगता है। सेकंड दोस्तों जो चार्जेस लगते हैं वो जिस ऐप के थ्रू आप लोग रेंट पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए आप क्रेडिट के थ्रू रेंट पेमेंट कर रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी थर्ड पार्टी वॉलेट में पैसे आप लोग अपने SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से लोड करते हैं, तो ऐसे में भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वो वाली ऐप जिसके थ्रू आपने रेंट पेमेंट किया है या जिसमें आपने पैसे जिसके वॉलेट में ऐड करे हैं, वो ऐप भी दोस्तों आप लोगों को 200 रुपए 250 रुपए चार्जेस लगाते हैं। यानी पहला जो है दोस्तों आपको SBI बैंक क्रेडिट कार्ड वाले 199 प्लस दोस्तों उसके ऊपर 18% GST लगाएंगे। सेकंड दोस्तों जिस ऐप से आप लोग पैसे निकालते हैं उसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को वो ऐप चार्जेस जो है लगाती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है वो दिख रहा होगा, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने दोस्तों अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से 11,738 रुपए की दोस्तों रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन की थी। अब रेंट पेमेंट दोस्तों ट्रांजेक्शन करने पर उनको यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं 11,738 की ट्रांजेक्शन करी उन्होंने 6 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 को रेंट पेमेंट प्रोसेसिंग यहां पर आप लोग देख सकते हैं 199 रुपीज दोस्तों इनको यहां पर 11,738 रुपए के ऊपर 199 यहां पर दोस्तों इनको चार्जेस जो हैं वो यहां पर लगाए गए। अब यहां पर लिखा है रेंट पेमेंट प्रोसेसिंग, आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा है EXCL टैक्स, यानी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आपको 199 प्लस दोस्तों 199 रुपीस के ऊपर दोस्तों आप लोगों को यहां पर 18% GST जो है वो यहां पर दोस्तों पे जो है वो इनको करना पड़ता है। अब दोस्तों आप एक तरीके से मैं आप लोगों को एक छोटा सा दोस्तों यहां पर एग्जांपल दे देता हूं कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस करिए, जितना दोस्तों इन लोगों ने ट्रांजेक्शन करी है, इन्होंने यहां पर ट्रांजेक्शन नहीं करी 11,738 रुपए की, प्लस दोस्तों यहां पर इनको जो चार्जेस लगे वो 199 रुपीज दोस्तों यहां पर इनके होने चाहिए, तो इनका दोस्तों जो बिल बनना चाहिए था वो 11,937 रुपए का बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 199 रुपीज के ऊपर दोस्तों इनको यहां पर 18% GST लगता है, तो 38 रुपए के अराउंड दोस्तों इनको यहां पर उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा, तो इनका बिल यहां पर बनेगा 11,975 रुपए। यानी कि इन्होंने दोस्तों अपने SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट करी वो करी 11,738 रुपए की, लेकिन जिसके लिए इनको SBI क्रेडिट कार्ड वालों को यहां पर दोस्तों पे करने पड़ेंगे 11,975 रुपए। यानी कि दोस्तों इनको 237 रुपए तो SBI क्रेडिट कार्ड वालों को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, साथ ही जिस भी ऐप से दोस्तों इन्होंने यहां पर रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन करी होगी उनको भी यहां पर 200-250 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी एक बार अगर आप लोग रेंट पेमेंट अपने SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो एवरेज दोस्तों आप लोगों को 500-550 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो दोस्तों यहां पर पे करने पड़ते हैं। जितना भी दोस्तों आप लोग अमाउंट निकालेंगे रेंट पेमेंट के थ्रू, उसके अलावा आपको 400-500 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा जो है दोस्तों रेंट पेमेंट के लिए देने पड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी हमारे को कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल मिल भी चुके हैं। तो जल्दी ही दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकता है आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।